क्या है इस टोकरी की कीमत? भाई मेरे तरफ से अम्मा को मिठाई यार, बस ये दे दीजिए यार। प्रहलाद मेहरा जी का जब प्रोग्राम हो कवर करूं। चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। हाई कर दो, हाई कर दो। क्या चल रही खरीदारी यहाँ पे? फिर माला नेपाली। ये मेरे माता है ना। अच्छा, कोई नहीं पूछ दे रहा है मेरे माता। क्यों नहीं पूछेंगे? क्या खाएंगे अम्मा? 150 रुपया। 150 रुपया। सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से। चलिए एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्ते पहला गबरीवान, स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। नई मॉर्निंग होगी है और आज मैं सोचा था कि भाई बारिश होगी और बर्फ गिरेगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। जैसे कि कल मौसम इतना डरा रहा था ना, कुछ भी नहीं हुआ, मौसम ठीक है और खाली डराने का काम कर रहा है। तो आज मैं निकल रहा हूँ उत्तरायणी कौतिक बागेश्वर भराड़ी के लिए। तो आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से ना मुझे एक दो प्रोग्राम मिले हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। तो गाँव से जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ताऊ जी मिल रहे हैं, घास लेके आ रहे हैं। नमस्ते। उत्तरायणी में नहीं जा रहे आप? क्यों? बच्चे गए हैं सब। अच्छा, बच्चे गए हैं? हाँ, कोई नहीं है घर। गांव से आधा घंटा करीब पैदल चल के मैं पहुंच गया हूँ रोड में, और यहाँ से मुझे अब जाना है उत्तरायणी कौथिक के लिए। और एक तरफ उत्तरायणी की पहल चल रही है और दूसरी तरफ अपने पहाड़ों में जो मेहनती लोग होते हैं सुबह शाम भाई बकरियों को लेके जंगल है बुग्यालों में। हेलो। Hi. लग गए? गुड 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 गुड। ओ बुबू जी प्रणाम। और ठीक है आप? उत्तरायणी नहीं जा रहे? यार ये उत्तरायणी मेरी यहीं बननी पड़ी है। हाँ, यहीं मना रहे उत्तरायणी। आ गया। किलो कैसे दे रहे सर? किलो सर किलो 150 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो है। तो भाई पहुंच गया हूँ भराड़ी मार्केट में। अभी यहाँ पर नॉर्मल ही लग रहा है ना, अभी थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। तो भाई मेले की शुरुआत होगी है। उत्तरायणी मेले में ना अपने दानपुर क्षेत्र की ये चटाइयाँ, सूपे, डोके, डलिया फेमस है। और यहाँ पे जो व्यापारी दानपुर से आए हैं उनसे पूछते हैं। बुबू जी इसकी कीमत क्या है इस सूपे की? 150 रुपया। 150 रुपया। 150 का 150। और चटाई की क्या कीमत रहती है यहाँ पे? यहाँ पर यही तो 1500 का। 1500 की चटाई यहाँ पे है। 5 हाथ वाला। अच्छा, तो ये हलचल देख सकते हैं मेले की। हेलो भैया, कहाँ से? बाजपुर। बाजपुर से आए हैं? अच्छा, जूते लेके भैया। क्या प्राइस है एक जूते की? 200 रुपये। 200 रुपये। मैं सोमेश्वर गब्बर सिंह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के गरम गरम टोपी और सॉक्स और चूड़ियाँ। भाई खासकर जो महिलाएं आते हैं ना गाँव से, वो इस टाइप की ही खरीदारी यहाँ पे करते हैं। और बैग हैं, सॉक्स, छोटे छोटे बच्चों की टोपियाँ। हेलो सर, कहाँ से हैं? बाजपुर उधम सिंह नगर से आए हैं। पहाड़ों में इस टाइप का ही माल चलता। भाई भैया कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आए हैं। बाकी कुछ बड़े बर्तन अगर चाहिए ना आपको तो इस मेले में आप आ सकते हैं खरीदारी के लिए। ये कढ़ाई देख सकते हैं, टब देख सकते हैं, दराती देख सकते हैं, कई चीज़ें हैं यहाँ पे। चश्मे वाले जो अंकल आए हैं इनसे पूछते हैं। अंकल जी नमस्कार, कहाँ से हैं? रामनगर से। रामनगर नैनीताल से आए हैं। क्या बात है, ओ 4G है या 5G? और ये वो मंच है जहाँ पे होती है अपनी कल्चरल एक्टिविटी। भाई मंच के पीछे मैं आपको लेके आ गया हूँ और यहाँ भी मिलाते हैं अपने उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। पाकिस्तान कैसे हैं? तो पहाड़ी अम्मा के इस टाइम पर चल रही है शॉपिंग। कैसे पहचाना आपने? अच्छा ब्लॉग देखते हैं। कहाँ थे सर आप? तो यार भाई ने एक टोपी तो वैसे पहना ली, लेकिन देखते हैं भैया कौन सा सही जचना, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। तो ये वाली कैप कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। और इस टाइप की टोपी अगर आप चाहिए ना भैया तो एक बार दाजू से संपर्क कर सकते हैं। ओहो हो, कौन से गांव से आ रहे हैं? मैं? हाँ जी, मैं सामा से आ रहा हूँ। अच्छा सामा से आ। क्या है इस टोकरी की कीमत? कीमत सर इसकी 250 रुपया है। तो भाई सर्दियों में ना सबसे ज्यादा चलने वाले हैं ये मोटी जैकेट। भाई साहब कहाँ से हैं? हम भैया यूपी। यूपी से आए हैं। भाई यहाँ पर मुझे ना एक घंटे से भी ज्यादा हो गया है और मैं इंतजार कर रहा हूँ प्रहलाद मेहरा जी का जब प्रोग्राम हो कवर करूँ, लेकिन अभी टाइम पता नहीं कितना लगता है। ये तो मैं बागेश्वर निकल रहा था। तो
मेहरा जी का प्रोग्राम आ गया भाई। तो प्रहलादा का प्रोग्राम देखने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं फिर से मार्केट की ओर, और आज देखते हैं जो लोग यहां पर खरीदारी कर रहे हैं किस टाइप की खरीदारी यहां पर करते हैं। ये अपने माले वाले भैया हैं। भैया क्या क्या लाए हैं और कहां से हैं? बरेली से हैं भाई साहब। बरेली के बाजार में सबका का समझ। कैसे दे रहे माले? 30 रुपए 20 रुपए 50 रुपए। देख लो मैडम, आओ 30 रुपए का 20 रुपए लगा दो ना उनका थोड़ा। अरे पहाड़ी लोग, थोड़ा कम लगा दो। उत्तरायणी की ये वाली मिठाई फेमस है दाजू। कमेटिया ओहो काशीपुर से आ रखे। ओके कैसे दे रहे हैं ये मिठाई? 2800 रुपए किलो। कितने की? 2800 रुपए किलो। अच्छा मुझे लगा 2800 रुपए किलो। मैं भैया कौन सी मिठाई आ गई 2800 की? अम्मा जी कहाँ से, कौन से गांव से आए हैं? ओ अम्मा जी कौन से गांव से आए हैं? मैं सुमगढ़ से। सुमगढ़ से आए हैं? अच्छा अपनी माता जी को लेके आए हैं? ये मेरी माता है ना। अच्छा कोई नहीं पूछ दे रहा है मेरी माता। क्यों नहीं पूछेंगे, क्या खाएंगे अम्मा? हाँ ये मिठाई को बोल रहा है, ये भी कहाँ से दर इतना पैसा नहीं है। हाँ मिठाई खाएंगे आप? हाँ आप दे दो ये। बिल्कुल बिल्कुल भैया दे दीजिए, मैं पे करूंगा। दे दीजिए, मैं पे करूंगा यार। हाँ भाई मेरे तरफ से अम्मा को मिठाई यार, बस ये दे दीजिए यार। हाँ जाओ 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 जाओ। तो खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं मिठाई लेने के लिए। बर्तनों की खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। अम्मा, ओ अम्मा जी कहाँ बैठे आ रहा है? कहाँ से हैं? अच्छा पोथिंग से आए हैं आप। अच्छा क्या क्या खरीदारी करने वाले हैं आज? कढ़ाई खरीदी। अच्छा कढ़ाई खरीदी और जो डाबा खरीदे। अच्छा प्लास्टिक खरीदे। रेट ठीक ठाक लगोने या हाई फाई छू रेट? कोई हाई फाई ले भाई हूँ, ठीक ठाक नहीं लगूंगी भाई। अच्छा ओ दाजू भैया थोड़ा ठीक ठाक रेट लगा दो यार। थोड़ा ठीक ठाक लगा दो सर, थोड़ा ठीक ठाक रेट। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? भैया आप कैसे हैं? बढ़िया है। धूल मिट्टी बाप रे, खतरनाक हो रहा है ना। इससे पहले आप देख रहे थे भराड़ी मार्केट का जो मेला चल रहा था, और अब देखेंगे आप कपकोट केदारी बगड़। हेलो हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए। गुड भैया मैं बैठ सकता हूँ? नहीं बच्चों का है भाई। अच्छा बच्चों का है। मैं बराड़ी पहुँच गया फिर से। ताई की आवाज में कुछ हो जाए यहाँ पे, क्योंकि गाते भी बड़ा अच्छे हैं आप। एक गाना। हाँ हाँ
फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्काना है रंग तेरा, देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। ये लाइन किसके लिए थी? आपके लिए है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो पुष्प छोड़ी रे दन पुरानी रे, ए तुले आई जाली छोड़ी उतरने को मिलो रे। टैटू बनाने वाले भैया है। हेलो भैया, कहाँ से है? बिहार से। अच्छा, माले ले रहे हैं आप लोग? माला बोले। हेलो हेलो, कैसे दे रहे हैं आप? 30 रुपए। 30 रुपए की माला। ओके, तो भाई पहाड़ी मेले का एंजॉय करिए आप। सर कैसे दे रहे हैं ये? 150 का जोड़ा है, 200 का जोड़ा है। अच्छा, ये 150 में दो आएंगे? घर जाते जाते टूटेंगे तो नहीं ये? अच्छा, आपके ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? हम यही जाले गांव से हैं। हेलो, हाय कर दो, हाय कर दो। गुड गुड गुड। चल जी, फिर माला नेपाली। अच्छा, ये नेपाली माला है? नेपाली माला। अच्छा, के लिए काम। अंकल जी कहाँ से हैं आप? उसे हम जो है ठाकर दोबारा जिला मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद यूपी से आए हैं आप? ओके, ये कौन सी माला बोला आपने? ये नेपाली माला। नेपाली माला है। अच्छा, और इनमें पहाड़ी क्या क्या है? ये सब पहाड़ियों। अच्छा, जंतर मंतर है। अच्छा, नथुली है, गलोबंद है, पोची भी है, पोची है। अच्छा, सभी है। अर्जुन खलपट्टे भाई हो गए जी? बिल्कुल अर्जुन हो। डेली ब्लॉग देखते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ऐठान से हैं आप? तो यार सब्सक्राइबर भी काफी मिल रहे हैं, थैंक यू। यही से आप लोग? चलो थैंक यू, बने रहे ब्लॉग के साथ। तो भाई एक साइड से प्रोग्राम और मेला तो चल रहा है, लेकिन ब्लॉग यहीं पर रखते हैं क्योंकि यार कल मेरा भी प्रोग्राम है। तो भाई अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो शाम भी हो गई है और चाय चल रही अभी है। बाकी आज का ये ब्लॉग ना यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग कैसा लगा अपना सुझाव जरूर देना कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं, और कल का जो ब्लॉग होगा ना कुछ स्पेशल होगा, धमाकेदार होगा। तो इंतजार करें एक नए दिन नए ब्लॉग का। चले बाय बाय, बाय कर दो भैया। ओके, बाय बाय बाय।